क्या होते हैं गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, फॉरेन कंपनी और डोरमेंट कंपनी? आइए इनको आसान भाषा में समझते हैं। नंबर एक, गवर्नमेंट कंपनी। वह कंपनी होती है जिसका 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। इस तरह की कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। नंबर दो, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी वह कंपनी होती है जिसके पास दूसरी कंपनी का 51% शेयर होता है, तो इस तरह की कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। नंबर तीन, सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी वह कंपनी होती है जिसका 51% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास होता है, यानी कि इस कंपनी के पास सिर्फ 49% शेयर होता है, तो इस तरह की कंपनी को हम सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। नंबर चार, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी वह कंपनी होती है जिसके ऊपर दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि इस कंपनी का 20-50% शेयर दूसरी कंपनी के पास होता है, तो इस तरह की कंपनी को एसोसिएट कंपनी कहते हैं। नंबर पांच, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वह कंपनी होती है जो भारत के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि बनी है और भारत में अपना व्यापार चला रही है, तो इस तरह की कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कहते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। नंबर छह, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है जो कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं करती है। इसको फ्यूचर में किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया होता है, तो इस तरह की कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी कहते हैं। नंबर सात, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी वह कंपनी होती है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, जिसके पास 50 लाख शेयर कैपिटल या 2 करोड़ का टर्नओवर होता है, तो इस तरह की कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।